इंसान हो तुम। सिर्फ तुम्हारे भरोसे मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई और तुम होके दो दिनों से घर भी नहीं आए। अंजलि, मुझे फिक्र हो रही थी कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। तुम जिंदगी में कुछ करोगे ये सोचकर तुम्हारे साथ आ गई। रोज झूठ बोलते हो कि ऑटो चलाता हूँ और आकर ये सारे काम करते हो। ऐसी कमाई के भरोसे मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। अंजलि प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे गैर जिम्मेदार इंसान नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा ये बच्चा चाहिए। ऐसा मत करना, कहाँ जा रही हो तुम? एबॉर्शन करवाने जा रही हूँ, आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना। अंजलि रुको, अंजलि मेरी बात सुनो। अंजलि क्यों बे, एक लड़के को लाकर तूने नाटक किया है, तेरे नाटक को जानता हूँ मैं। ऐसा नहीं है भाई, वो मेरी बीवी है, वो अबॉर्शन कराने जा रही है, मुझे किसी भी हाल में उसे रोकना है। अरे जा रही है तो जाने देना, खेल का मजा फिर नहीं मिलेगा। प्लीज भाई, वो हॉस्पिटल जा रही है, प्लीज। हम सबका पैसा कौन देगा अबे? हैं भाई, ये पैसा ले लो और मुझे जाने दो। ऐसे पैसे देगा भाई तो क्या मजा मिलेगा, आकर खेलना बे। भाई प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये पैसा ले लो और मुझे जाने दो। खेल बोल रहा हूँ, पैसे दे रहा मुझे। भूल क्या रहा बे, मारेगा मुझे। Out of danger. मौसी, मम्मी से डांट पड़ेगी। इतनी रात तक तुम लोग घूमोगे तो मुझे टेंशन हो जाती है, बाहर कितनी बारिश भी हो रही है। और ये छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ घूम रही थी तुम? मैं सीनियर केजी में पढ़ती हूँ। हाँ तो छोटी ही हो, वैसे इतनी देर तक बाहर क्या काम कर रही थी? रास्ते में एक अंकल का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा ठीक है, तुम लोग खाना खा के सो जाओ। हमें भूख नहीं है दीदी। पर मुझे भूख लगी है। तुम लोग खाना खा लो, कल सुबह जाकर उसे हॉस्पिटल में मिल लेना। सीता, सीता आ रही हूँ जी। देखो सीधा, तुम अपनी बहन से कह दो कि बच्ची को लेकर के घूमने के लिए आधी रात तक बाहर ना जाया करे। संध्या, ये टिफिन तैयार किया है, जाते वक्त इसे भी ले जाना, ठीक है? मम्मी, मुझे भी टिफिन चाहिए, इनके साथ जाऊंगी तो पता नहीं कब घर आऊंगी।
ठीक हूँ। हाय, मेरा नाम संध्या है। आपको हॉस्पिटल में मैंने ही एडमिट करवाया था। और मैंने भी। मेरा नाम स्वीटी है, सीनियर केजी। मेरी दीदी की बेटी है, मैं वाइजैक में रहती हूँ। मेरे लिए ये शहर नया है। मेरे मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं और दीदी और जीजा जी हैदराबाद में। जीजा जी इरिगेशन डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट है। और मम्मी घर में प्रेग्नेंट है। दीदी को साथ मिल जाएगा और इसकी देखभाल हो जाएगी, इसीलिए मुझे यहाँ रखा है। वैसे यहाँ आ गई हूँ तो अब फैशन डिजाइनिंग करने की सोच रही हूँ मैं। अंकल, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपने मम्मी डैडी को बताया? सॉरी सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गई। आप अपने घर का फोन नंबर दे दीजिए, मैं आपके घर में फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगी। एक्सीडेंट बोलूंगा तो घर वाले डर जाएंगे। मैंने अभी डॉक्टर से फोन लेकर फोन किया था, 10 दिन के लिए कैंप जा रहा हूँ घर में ऐसा बोला है, तो 10 दिन के लिए नो प्रॉब्लम। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। सीनू। क्यों रे, कल हॉस्पिटल में उस अंकल ने अपना नाम बताया, ऐसा क्यों किया तूने? अरे कुछ नहीं, बॉयफ्रेंड की याद आ गई, उसका नाम भी सीनू है। क्या कहा, तेरा तेरा बॉयफ्रेंड है? मेरा सीनू बहुत अच्छा दिखता है, उसके गाल एप्पल जैसे रेड रेड है। अच्छा, और बाल वायर जैसे है क्या? मसी, मुझे चाहे कुछ भी बोलो, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए कुछ मत बोलना। क्यों, क्या स्पेशल है उसमें? हाँ, और कौन सी क्लास में है वो? नर्सरी में। तेरा बॉयफ्रेंड नर्सरी में पढ़ता है और तू यूकेजी में पढ़ती है, तो फिर वो तेरा बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? रुक, अभी जाकर दीदी से कहती हूँ। बता दो, वो बॉय है और मेरा फ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड। मैं गर्ल और उसकी फ्रेंड, तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड। मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ, आपको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? अब इतनी एक्टिंग मत करो, हॉस्पिटल में सीनियर अंकल के साथ क्या कर रही थी? ए, चुप करो वरना मैं दीदी से कह दूंगी। सोई नहीं क्या? सोती हूँ ना चीता। हाँ? सीता बोल रही हूँ मम्मी। मम्मी देखो, आपकी बहन परेशान कर रही है। वैसे ये सही कह रही है, आजकल तुम्हारा सीनो में इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, सीनो बहुत अच्छा लड़का है। यही बात है, ये और भी कुछ है? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। शहर की बस और शहर वालों का कोई भरोसा नहीं संध्या। शहर की बस किस वक्त आए पता नहीं, और शहर वाले किस वक्त चले जाएं इसका कोई पता नहीं। शुरुआत में अच्छे लगते हैं, पर धीरे धीरे उनका असली रंग पता चलता है। पर सीनू ऐसा बिल्कुल नहीं है दीदी, वो बहुत अच्छा लड़का है। मंदिर की घंटी और एक लड़की एक समान होते हैं। मंदिर में आने वाला हर कोई मंदिर की घंटी बजा के जाता है, और खूबसूरत लड़की को कोई भी लड़का देखे बिना नहीं जाता। अगर मंदिर में आने के बाद कोई घंटी बजाना भूल भी जाए, तो भी जाने से पहले एक बार घंटी जरूर बजाएगा। बस उसी तरह लड़का चाहे कितना भोला ही क्यों ना हो, लेकिन लड़की के पीछे वो जरूर आएगा। ऐसा मत कहिए दीदी। हाँ मम्मी, वो अंकल बहुत अच्छे। चूहे का गवाह बिल्ली बन रही है। तेरे स्कूल का टाइम हो गया, चल जाओ, ऑटो वाला आ जाएगा। श्रीनिवास थे, उन्हें तो सुबह ही डिस्चार्ज मिल गया और वो चले गए। डिस्चार्ज मिल गया और चले भी गए? हाँ। मेरे लिए कोई फोन नंबर या एड्रेस छोड़ा है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया है। मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। मौसी सुनो ना, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए। नहीं, हम वनीला लेंगे। क्यों, स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती यहाँ? अच्छा मेरी मौत, चल। कैसे इंसान हो तुम? इंसानियत नाम की चीज नहीं है। एक्सीडेंट होने के बाद अगर मैं भी ऐसा ही सोच लेती तो अब तक तुम मर गए होते। ऐसा ना सोचकर मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और तुम बिना बताए चले आए। मेरी दीदी ठीक ही कह रही थी, शहर की बस और शहर के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। छी, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। ए, क्या कर रही है तू? शाहरुख खान से बात कर रही हूँ। मजाक कर रही है मुझसे?
आपको दिख नहीं रहा मैं ड्राइंग कर रही हूँ ना, तो क्यों पूछ रही हो? क्या ड्रॉ कर रही है? तू तो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, इसका मतलब क्या है पता है तुझे? संध्या की बात मत सुनना, संध्या की तरफ मत देखना, संध्या से बात मत करना। मैंने क्या किया? आइसक्रीम दिलाऊंगी ये कहकर मुझे वहाँ ले गई और बिना दिलाए वापस ले आई, इसलिए। मेरी माँ कल हॉल टिकट लेने जा रही हूँ, वहाँ से घर आते समय तेरे लिए आइसक्रीम ले आऊंगी, अब माफ कर दे। तू ऑर्डर दे, मैं अभी आता हूँ। सर क्या चाहिए आपको? दो ऑरेंज जूस और एक कोक। ओके सर। मैडम यहाँ पर बैठिए। तो फैमिली पैक आइसक्रीम पार्सल। ओके मैम। चुरा के दिल मेरा कोरिया चली, उड़ा के निंदिया। ए, इसे तो पहले से ही जानता है क्या? ये देख पर्स। अरे हमें क्या करना, जाके काउंटर में दे दे। अरे देखने तो दे, शायद उसका एड्रेस मिल जाए। अरे उसका एग्जाम है लगता है, ये देख हॉल टिकट। वो लड़की को तू जानता है ना, जाके देखे। आ इधर दे। संध्या सुनो, कैसे पार्किंग किया? तेरी बाइक की चाबी तू कार ऑफिस ले आना। ओके भाई। ऐसा कुछ नहीं है, आप चलिए। जाना कहाँ ये तो बताओ। लेफ्ट लेफ्ट। संध्या रुको। संध्या बात सुनो। ये सब क्या है मैडम, एक घंटे से देख रहा हूँ लेफ्ट राइट कर रही हो। चलिए उतरिए, स्कूल के बच्चों को लेने का टाइम हो गया है। 98 रुपीज। ओके ओके। मेरा पर्स। अरे जल्दी करो मैडम, स्कूल के बच्चों को लेने जाना है। वो मेरा पर्स दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अब पर्स नहीं दिख रहा है, ऑटो वाले के साथ मजाक कर रही हो? जब लेफ्ट राइट करवा रही थी तब देखा नहीं कि पैसा है कि नहीं? ये बैग देने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था। सीनू सॉरी, तुमसे बचकर भागने के चक्कर में मैं यहाँ आ गई। ये एरिया मेरी पहचान का नहीं है। कहाँ जाना है? श्रीनगर कॉलोनी। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चली जाऊं। ठीक है। सीनू, अगर तुमसे फिर से मिलना हो तो जहाँ आज मिले उसी रेस्टोरेंट में मैं रोज आता हूँ, तुम वहाँ आ सकती हो। संडे एग्जाम खत्म होने के बाद वहाँ जाऊंगी, फिर साथ ही लंच करेंगे। ठीक है बाय। ओके बाय। यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी दीदी ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों बहनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं रहता, चाहे कोई भी बात हो मैं उनके साथ डिस्कस जरूर करती हूँ, और मेरा पूरा टाइम पास विधि के साथ हो जाता है। जीजा जी इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जब देखो गुस्से में ही रहते हैं, इसलिए कहीं घुमाने ले चलिए ऐसा कहने से भी डर लगता है, और मुझे ये पूरी सिटी देखनी है। अच्छा तुम्हें सिटी देखना है? चार मीनार, गोलकुंडा, बिरला मंदिर, तुम दिखाओगे क्या? तुम आओगी तो तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, लेकिन 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन लगेंगे? 3-4 दिन मेरे साथ रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब मेरे पास टाइम होगा तभी तो तुम्हें दिखाऊंगा ना। मगर तुम तो चार मीनार और गोलकुंडा देखना चाह रही हो, सिर्फ यही नहीं मैं तुम्हें नई दुनिया दिखाऊंगा। नई दुनिया दिखाओगे? हाँ। मेरे जीजा जी 6:30 बजे तक घर आ जाते हैं, उससे पहले हम घूम सकते हैं। ठीक है। पता है आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी का मतलब? ऐसा क्या देख रही हो? खुशी क्या होती है तुम किसी अपने से पूछो, देखना उनका रिएक्शन भी ऐसा ही होगा। और क्या हो सकता है? एक इंसान को घर बनाने की खुशी है, तो दूसरे इंसान को एक बड़ी सी कार खरीदने की खुशी है। वो खुशी नहीं है, वो तो सिर्फ जरूरत है। तो फिर खुशी क्या होती है?
दो आइसक्रीम देना। ओ, आइसक्रीम खाने से खुशी मिलती है क्या? क्या कर रहे हैं? आओ बताता हूँ। इसे दो। उस बच्चे को आइसक्रीम खाते हुए देखकर तुम्हें जो खुशी हो रही है ना, वही है सच्ची खुशी। आओ चलो। उस कटहरे में जो खड़ा उस पर ध्यान दिया क्या? हाँ, दोनों ही दुखी लग रहे हैं। हाँ सही कहा, मगर यहाँ समस्या सिर्फ इन दोनों की नहीं है, बड़े लोगों के घमंड की वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ रहा है और उनकी यही मजबूरी उनके चेहरे पर दिख रही है। ऐसे हालात किसी के भी नहीं आने चाहिए। तो फिर इसका सलूशन? सलूशन उन चार लोगों के पास ही है। ईगो को हटाकर चारों लोग बैठकर बात करेंगे तो मैटर सेटल हो जाएगा। इन दोनों को पसंद ना हो तो? कोशिश करना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना आए। और अगर आ गई तो? अलग होना ही बेहतर है। रोज रोज झगड़ा करके, एक दूसरे से नफरत करके, जबरदस्ती मिलकर साथ रहने से अलग होना ही बेहतर है। शादी के बाद लड़के अलग होने से अच्छा शादी से पहले ही अलग हो जाओ। पर ऐसा क्यों? प्यार करने के बाद अलग हो गए तो कुछ दुख याद में रह जाएगा, शादी के बाद अलग हो गए तो वो रिश्ता याद में रह जाएगा और उसके बाद सारी जिंदगी दुख में ही रहना होगा। शमशान में? नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। डर क्यों रही हो? हर कोई मरने के बाद यहीं पर आता है। मरने के बाद इंसान के साथ यहाँ क्या होता है ये उसे पता नहीं होता, इसलिए जिंदा रहते यहाँ आए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ होता क्या है। अपने हिंदू रीति के अनुसार मरे हुए इंसान को जलाते वक्त शरीर में कुछ भी नहीं रखते हैं, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं आते समय कुछ भी नहीं ला पाते, जाते समय कुछ भी नहीं ले जाते। इंसान की एवरेज एज 60 इयर्स होती है। दिन का 8 घंटा पकड़े तो 20 साल नींद में ही चला जाता है, 10 से 15 साल बचपन और जवानी में चला जाता है। बच्चा हुआ 20 सालों में शादी कर लेते हैं, बच्चा पैदा करना, पैसा कमाना और बुढ़ापा आ जाना, वक्त इसी में चला जाता है। इंसानी जिंदगी में असली खुशी को इस तरह से देखा जाए तो कुछ घंटे भी नहीं बचते और उन्हें बढ़ाने का मौका हम इंसानों के अपने हाथों में ही होता है। रियलिटी में हर इंसान जो खुशी पाता है उससे ज्यादा वो अपने लिए टाइम बचा लेता है, वो ही खुशी है। जैसे तुमने कल उस बच्चे को आइसक्रीम दी, उस बच्चे की आंखों में जो चमक तुमने देखी वो ही खुशी है। जस्ट अ मिनट। शमशान में क्यों लेकर गया वो? कहीं वो कोई काला जादू तो नहीं करता? ऐसा मत कहिए दीदी। तो बताओ ना, शमशान में क्यों लेकर गया तुम्हें? मरने के बाद हर इंसान वहीं तो जाता है ना दीदी। शमशान का पाठ पढ़ा रहा था स्वीटी। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, कल तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हें याद है ना? क्यों मिस संध्या, आइसक्रीम दिलवाओगी बोली थी लेकिन आज तक आइसक्रीम नहीं आई। मेरा सीनू ही अच्छा है, मांगने से पहले ही आइसक्रीम दे देता है। शमशान का पाठ याद आ गया? बाप रे, वहाँ की चुड़ैल मौसी में घुस गई। I love you. मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अगर मुझसे प्यार नहीं करते हो तो ठीक है सीनू, पर उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है?
मैं सच बोल रहा हूँ। मैं नहीं मानती। तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? अंजलि। गीतांजलि है क्या? अंजलि। हंस क्यों रहे हो? तुम अपनी बीवी का नाम अंजलि कह रहे हो, पर यहाँ पर तो नंदिनी लिखा हुआ है। जिंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं कोई गलती करता ही है। ये नाम भी मेरी गलती का वो दाग है। तुम कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। अपनी बीवी का नाम अंजलि बता रहे हो, अपने सीने में नंदिनी लिखा है। क्या चल रहा है ये सब? मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ऐसा नहीं है संध्या। तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? हो रही है। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? बोलो सीनू, बोलो, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? प्यार नहीं करते हो ना? हे संध्या, इतनी उदास क्यों बैठी हो? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? तो क्या हुआ? सीनू की शादी हो चुकी है। कोई बात नहीं, इंक की बोतल ही तो थी, हाथ से फिसल गई। अरे बाप रे, इतनी अच्छी शर्ट थी, जल गई। तुम्हारे जीजा बहुत डांटेंगे मुझे। ओहो, शर्ट की छोड़ो दीदी, मेरे बारे में सोचो ना। तुमने देखा ना, यहाँ इंक की बोतल गिर गई, वो उठाने आई तो वहाँ ये शर्ट जल गई। ना तो इंक की बोतल बची और ना ही शर्ट बची। सीनू इंक की बोतल है और ये शर्ट तुम्हारी लाइफ, अब तुम्हें ही संभालना है। ओहो, बकवास बंद कीजिए, कोई सलूशन बताइए ना। तो फिर एक काम करो, उसके घर चली जाओ, सच्चाई पता चल जाएगी। अरे कहाँ चली गई? चाबी पड़ोस वाले को देकर गई होगी, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। फर्स्ट टाइम तो मेरे घर आ रही हो, वेलकम। ये है हमारा घर। सीनू, अपना पांडू सुबह से कुछ खा नहीं रहा है, मुझे डर लग रहा है। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, बच्चे भी मेरे साथ में ही हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पांडू मतलब हमारा कुत्ता, उसे घर वाले बहुत चाहते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो अंजलि उसे हॉस्पिटल ले गई है, वो ठीक हो जाएगा। हमारा घर देखो, वहाँ किचन है और वहाँ बेडरूम, ऊपर चलो। ये है हमारा बेडरूम। अंजलि, अखिल, निखिल, अब बताओ अंजलि तुमसे खूबसूरत है या तुम अंजलि से खूबसूरत हो? अगर इस फोटो में मैं होती तो ये फोटो ज्यादा अच्छी लगती। अंजलि चाहती है कि हम दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि फ्रेंड्स की तरह रहें। अंजलि को मैं कभी बीवी की तरह तो कभी गर्लफ्रेंड की तरह देखता हूँ। बहुत से लोगों को शादी से पहले जो इंटरेस्ट रहता है वो शादी के बाद नहीं रहता, पता है क्यों? शादी से पहले वो जिस लड़की से प्यार करता है वो मिलेगी या नहीं वो इस टेंशन में रहता है, वही शादी के बाद जिंदगी भर साथ ही रहने वाली है ये सोचकर रिलैक्स हो जाता है। अरे बातों ही बातों में मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, एक मिनट। मैं देखता हूँ। हेलो अंजलि, अभी पांडू कैसा है? तुम्हें आने में और कितनी देर लगेगी? कुछ नहीं, बस संध्या नाम की लड़की के बारे में तुम्हें बताया था ना, वो तुमसे मिलना चाहती है इसलिए उसे घर ले आया। ओके बता दूंगा, बाय, जल्दी आ जाना। उसे आने में थोड़ी देर लगेगी, तुम्हें सॉरी बोला है। ठीक है। आई ओके? या ओके। पता नहीं क्यों पर ये व्यू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हे संध्या, ये मेरी पर्सनल डायरी है, प्लीज। मैं नहीं दूंगी। प्लीज मुझे दो संध्या। मेरी पर्सनल डायरी है वो, संध्या दो मुझे, बैड मैनर्स है संध्या, प्लीज। अरे संध्या, संध्या प्लीज मुझे डायरी दो। जा रही हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। संध्या, देखो संध्या, तुम गलत कर रही हो, मुरझाया हुआ फूल कभी काम नहीं आता, शादीशुदा इंसान भी वैसा ही है, तुम्हें उसके बारे में अब इतना नहीं सोचना चाहिए। मैं उसके बारे में कैसे ना सोचूं दीदी, उसके बारे में ना सोचना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। गलत
मैडम, अब क्या करूं दीदी? अभी के अभी उसे फोन करके सॉरी बोल दो। कोई फोन नहीं उठा रहा दीदी। कोई बात नहीं, तुम्हें उसका घर पता है ना, सुबह उसके घर चले जाना और सॉरी बोल देना। उसके बीवी बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी। सुनिए, कौन है? इस घर में श्रीनिवास रहते थे। वो तो आज शाम को लंदन के लिए निकल रहा है ना, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में उसे कुछ काम था इसलिए जल्दी निकल गया। तो फिर उनके बीवी और बच्चे? हम लोगों का 9th से 10th में जाने का दिन था। हर गांव में जवानी में लड़के मस्तीखोर होते ही हैं। हमारा भी वैसा ही एक बैच था। ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हर किसी में अलग-अलग टैलेंट है। इसका नाम है गणेश। इसके हाथ में जो भी मिलता है उसे खराब करना ही इसका काम है। इसका नाम है राम पांडू। हमारे बैच में थोड़ा बहुत पढ़ने वाला ये इकलौता ही है, इसलिए उसे चश्मा लगा हुआ है। ये है नानी, गाना बहुत अच्छा गाता है, AR रहमान के जैसे बनने के लिए अपने बाल भी बढ़ा रहा है। ये है सेशु, इसका कलर इसका प्लस पॉइंट है, रात में ये जो कुछ भी करता है कोई उसे देख नहीं पाता। ये है मलेश, बहुत टेंशन लेता है, गांव में कुछ भी होगा उससे पहले ही इसे पता चल जाता है। जवानी में जैसे लड़के पड़ोस वाली लड़की को लाइन मारते हैं, वैसे ही मैं नंदनी को पसंद करता था। रोज उसे लाइन मारता था, बस उसे देखता ही रहता था। कभी ना कभी मैं उसे अपने प्यार के बारे में बताऊंगा, उस टाइम का इंतजार कर रहा था, बस सारा वक्त उसी के सपने देखा करता था। गणपति, नंदनी अभी तक नहीं आई यार। अरे आ रही है सीनू की कैंडिडेट आ रही है, देखो देखो। अरे क्या फायदा है, किसी भी चीज को दूरबीन से देखने से कुछ नहीं होता। खूबसूरत लड़कियों को 70 mm में देख देख कर मेरा तो अब जी ही भर चुका है, लड़कियों से मेरा मैटर कभी मैच नहीं होगा। यार कुछ भी होने दे, उसे बताकर ही रहूंगा। मैं भी चलूं तेरे साथ? तुम लोग यहीं रुको। नंदनी, आई लव यू। क्या हुआ, नहीं समझी क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कौन सी क्लास में हो? अभी 10th में गया हूँ। मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ, पता है तुम्हें? तो क्या हो गया, जब लड़की लड़के से ज्यादा उम्र की होती है तब भी शादी कर लेते हैं, तो जब वो सही है तो इसमें क्या गलत है? फिर भी ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा बोल रही हूँ ना। वही तो बताओ, क्यों नहीं चलेगा? वो नहीं मानेंगे। कौन नहीं मानेंगे? मेरे घर वाले। धमकी देकर मनाता हूँ ना। ए, इधर आ। क्यों रे, कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत किया कर। क्या हुआ, तेरा प्रॉब्लम क्या है? घर वालों से बात करूंगा, मैंने बोला ना। ये ले माना, ये मेरे पति हैं। पिछले कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, कहता है मुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, आपको मनाने के लिए आया है यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सीनू। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 10th में हूँ। सीनू,
तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम अपना टाइम वेस्ट करके अपने भविष्य को बर्बाद मत करो, जाओ जाकर पढ़ो। मेरे जाने के बाद नंदिनी को कुछ बोला ना तो बाय नंदिनी। ये क्या है जी, इतनी शांति से बात की आपने, दो चार थप्पड़ लगाने चाहिए थे ना। दूसरे की बात सुनकर समझने का दिमाग और उम्र दोनों ही नहीं है, छोड़ दे। ए, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज, मैं हाँ छोड़ती हूँ तेरे सामने। नंदिनी, तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की शादी हो गई है तो उम्र आने के बाद हम जैसे लड़कों का क्या हाल होगा। जब भी देखो तुम अपनी तरफ से ही सोच रही हो। एक बार मेरी तरफ से सोच कर देखो ना नंदिनी, गांव की सारी लड़कियां शादी करके जा रही हैं और तुम्हारे जैसे तो कोई सुंदर भी नहीं है। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम भी ये कहां फंसी हुई हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा नंदिनी, मेरे साथ चलो ना। नंदिनी, नंदिनी। नंदनी, मुझे धोखा देकर चली गई नंदनी। नंदनी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई नंदनी, मुझे छोड़कर क्यों गई? कौन है तू और आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? पिताजी, नंदनी आंटी मुझे धोखा देकर चली गई पिताजी। लालायक, एक जगह पर दो एसटीडी भूत नहीं होने चाहिए और एक घर में दो बेवड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मेरी पूरी नींद खराब कर दी, अब दोबारा नींद आने के लिए कहाँ से लाऊं मैं ड्रिंक? सीनू, सीनू, बेटा सीनू, क्या हुआ? सीनू, सीनू, सीनू बेटा, तू पीकर आया है? नहीं माँ, आते आते पिया हूँ। क्यों इतना बिगड़ रहा है तू? मैं नहीं बिगड़ रहा हूँ माँ, नंदिनी आंटी ने मुझे बिगाड़ दिया है। कौन है ये नंदिनी? देवी है माँ, देवी है, प्यार की देवी है। बेटा, हमारी सारी उम्मीदें तुझसे जुड़ी हैं और तू ही ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? मेरे ऊपर उम्मीद रखी हो ना माँ, रखो रखो, छोटी छोटी आशा रखो माँ, रखो आशा। बेटा, क्यों तू मुझे इस तरह रुला रहा है? रो रही हो माँ? मत रो माँ, मैंने गुस्से में कुछ कुछ कह दिया, तुम प्लीज बुरा मत मानो, प्लीज माँ, प्लीज। सीनू, आज के बाद तू नहीं पिएगा। सीनू, अगर तू अपनी माँ को सच्चे दिल से चाहता है तो मेरे सिर पर हाथ रखी, कसम खा बेटा। सीनू, आज तूने मेरी कसम खाई है बेटा, अगर आज के बाद तूने पिया तो मेरा बड़ा मुँह देखेगा। नहीं पीऊंगा माँ। मेरा प्यारा बेटा, चल आकर कुछ खा ले। यार मैथ का पेपर कितना टफ आया था ना, मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं रहता। गोविंदा, गोविंदा,
भाई देखना अब वो अपनी तरफ ही आएगा, अब पता नहीं क्या होगा। तू टेंशन मत ले, मैं देख मास्टर को कैसे पटाता हूँ। नमस्ते मास्टर जी। क्या नमस्ते कहकर मुझे पटाना चाहते हो क्या? ये गोविंद राव मामूली गणित का मास्टर नहीं है। एक्स के बिना, परसेंट के बिना, स्क्वायर के बिना गणपति करने में इस जिले में नंबर वन हूँ। तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? अभी किसने कहा था गोविंदा गोविंदा? हमें नहीं पता है सर। अच्छा तुम कौन हो बेटा? मैं गणपति हूँ सर। ये डब्बा क्या है, तुम पेटू गणपति हो या बुद्धि के गणपति हो? तुम्हारे पेट से लगता है कि तुम पेटू गणपति हो। देखिए मैं मास्टर सुब्बा राव जी का बेटा गणपति हूँ। सुब्बा राव कौन? अरे मास्टर जी जो मांगने पर बोलते हैं कल दूंगा परसों दूंगा नरसों दूंगा, वही मास्टर सुब्बा राव। मैंने तो ये भी सुना है कि आपने उनसे भी पैसे लिए थे और जब उन्होंने आपसे पैसे मांगा तो आजकल परसों कर रहे हैं आप। अरे गणपति तू है? अभी याद आया बेटा। अरे बेकार में भूली हुई बातों को क्यों याद दिलवा रहे हो? चाहिए तो तब तक ये 100 रुपए रख लो। अरे रख लो, ये ज्यादा है सर, 50 आप रख लो। लड़का दिखता बंदर है लेकिन अच्छा बंदर है। मास्टर जी बचे हुए पैसे संभाल के रखिएगा, जरूरत होगी तो मांग लूंगा मैं आपसे। अच्छा सबक सिखाया तूने मास्टर को। वो देख श्रीधर आ रहा है। शाम को स्कूल के बाद साइकिल रेस। डन डन डन। अरे यार अपनी क्लास में साइकिल किसी के पास नहीं है। अरे रेस शाम को है ना, अभी बहुत टाइम है, देख लेंगे। पार्वती आ रही है, गाना गाओ गाना गाओ। बचपन की पार्वती आजा, कम कम बाया पैर रख के अंदर आजा, वेलकम पार्वती रेवती आजा, बेंच में जगह खाली है आजा। गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। ये कौन इतनी जोर से चिल्ला? तुम लोग अभी अभी 9 से 10th में आए हो, मत भूलो। साइलेंस साइलेंस। देखो अब तुम हायर क्लासेस की ओर बढ़ते जा रहे हो तो स्टडीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 10th के बाद 11th में भी जाएंगे। साइलेंस साइलेंस। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 10th क्लास की जनरल नॉलेज बहुत मुख्य होती है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सर इम्पोर्टेंट का मतलब मुख्य तो होता है, एक ही बात दो दो बार कह रहे हैं। दो बार बोलूंगा तभी तो जल्दी याद होगा ना, क्यों तुम्हें दो बार सुनना पसंद नहीं है क्या? हैं अपनी आदत सुधार लो। ज्यादा बार बोलोगे तो भूल जाएंगे सर। तुम ज्यादा बार खाकर इतना भूल गए हो ना, और अब बार बार कहूंगा तो तुम भूल भी जाओगे। तुम मुझे बताओ कि कैसे पढ़ाना, बैठ जाओ। अच्छा सुनो तुम उठो, ये बताओ ये अक्की भैया का मतलब कौन है? अपना अक्षय कुमार सर। अक्की भैया का मतलब अक्षय कुमार? हाँ सर, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा। सर उसमें उसने करिश्मा और नगमा दोनों के साथ डांस किया था सर। अक्षय कुमार ने नगमा करिश्मा दोनों के साथ डांस किया है? लेकिन इतिहास में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। और तो और सर उसमें अक्षय के साथ अजय देवगन भी था, आपने फिल्म नहीं देखी क्या सर? अरे तेरी इस तरह की जनरल नॉलेज के आग लग जाए, तू अक्की यानी अक्षय कुमार फिल्म में बात कर रहा है। अरे चलो 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 चलो। तूने नई साइकिल ली है ना, मुझे स्कूल भी दिखाना। के बाद वहीं पे चलेंगे। ठीक है यार, सच में ये साइकिल दिखने में बहुत अच्छी है, अगर तू बोले तो एक बार मैं भी चला कर देखूं क्या? तू चला पाएगा तो ले चला कर देख। ये ले। इस साइकिल की तो बैंड बज रही है। ए अंजलि तेरी साइकिल, ये सब क्या है? साइकिल मुझे भी पता है। पता है तो बनवा ले। इसे छोड़ दिया तो ये और करेगा, हेडमास्टर को बताना ही होगा। सुन अंजलि, अगर तू हेडमास्टर से कंप्लेंट करेगी तो वो और ज्यादा परेशान करेगा। छोड़ ना, जाने दे,
मैंने नई साइकिल लेने के लिए मना किया था ना, सौतेली माँ है साइकिल नहीं दिला रही ऐसा लोग सोचेंगे, इसीलिए मैंने तुझे साइकिल दिलवाई। अब देख तो, ओ, क्या हालत कर दी है इसकी। अब इसे ठीक करने के लिए पैसे कौन खर्च करेगा बता, अब बुद्ध बने क्या खड़ी है बोल। ठीक है मैं ठीक करवा दूंगा ना। अंजलि तुम अंदर जाओ बेटा। इसका साथ देते रहो हमेशा, तुमने ही बिगाड़ा है इसे। अरे यार, क्या हुआ भाई? क्या बताऊं यार, जब देखो घर वाले मुझे मारते ही रहते हैं। मैं 10th में आ गया हूं, लेकिन छोटे बच्चों की तरह मुझे मारते ही रहते हैं। अरे यार, बुजुर्ग कहते हैं कि लड़कियां 13 साल में जवान हो जाती हैं, पर हम लड़के कब जवान होते हैं? जब लाइन मारने की उम्र आ जाती है। भाई वो देख लड़की। आगे चला के बैठ। उसको मार, उसको मार, एक बार और मार मेरी तरफ से। वो लोग आगे। अंजलि अंजलि अंजलि, देखो इसकी साइकिल टूट गई। बेचारी नई नई साइकिल लाई थी, अब वो पुरानी कबाड़ हो गई। अंजलि अंजलि अंजलि, देखो इसकी साइकिल टूट गई। बेचारी नई साइकिल लाई थी, अब वो पुरानी कबाड़ हो गई। बोलना। और परेशान किया ना तो हेडमास्टर से कह दूंगी। जा बोल। सच में बता दूंगी उन्हें। जा, जो बताना है बताना। रुक, अभी बताती हूँ। हाँ हाँ जाना, बता दे जो बताना है। हम लोग तो बचकर आज बाहर आ गए। हेडमास्टर ये वो देख। ए चल बे। नहीं 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 नहीं, क्लास छोड़कर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शर्ट में लगे हुए दाग को साफ करने के लिए। जिंदगी में लगे हुए दाग को कोई नहीं देख रहा है तो शर्ट क्या है यार? जिंदगी का दाग किसी को नहीं दिखता है, शर्ट का दिखता है सर। ए अंगूठी, गंगाराज के सामने ज्यादा बोलोगे तो हड्डियां टूट जाएंगी, समझे क्या? गांव के लोग भी यही कहते हैं सर। हाँ। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आयुर्वेदिक दवा लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं सर। आयुर्वेदिक दवा बोलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो? वैसे मुझे पता तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा था ना, गंगाराज मास्टर को कोई धोखा नहीं दे सकता है। हमारी बात सुने बिना ये गणपति आपके लिए अंगूठी खरीदने जा रहा है। हाँ गुड, जाओ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो सर? दाग लगा रहा हूँ यार। चलो यहाँ से। दम मारो दम मारो दम। यार दम मारने के लिए यहाँ पर आने में बहुत तकलीफ होती है। रुक जा रुक जा। हाँ रुक जा। चाहे कैसी भी हालत हो, ये सीधा घर पे ही लाके छोड़ दिए। पीकर मैं तो गिर गया, लेकिन इसे खरोंच तक नहीं आने दी मैंने। मेरी जान है ये। अभी लगा दूं क्या? अरे बाप रे, ये तो बात करने लगा। बात वो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। बहुत बात कर ली चा, अंदर से कुछ खाने को लेकर आप जल्दी। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई करने वाला कुछ लेकर नहीं आएगा? मेरी सारी कमाई तो तेरी पढ़ाई में जा रही है। पहले हाफ बॉटल पीता था, अब क्वार्टर पे आ गया हूँ मैं। तेरी पढ़ाई बहुत होगी, कल से ऑटो चलाएगा तू। मैं नहीं चलाऊंगा। क्यों बे? हे, अपमान महसूस हो रहा है क्या? बादशाह फिल्म में रजनीकांत ने ऑटो चलाया था, रावड़ी फिल्म में चिरंजीवी ने चलाया था, और किसी फिल्म में बालकृष्ण ने भी चलाया था, तो मैं भी चला रहा हूँ, कल से तू भी चला। अच्छा, तो तुम अपने आप को फिल्मी हीरो समझ रहे हो? हे, एक चक्कर रखने वाला विष्णु की इतनी वैल्यू है तो 3 चक्कर रखने वाले को क्या समझना चाहिए? मतलब ऑटो वाला ऊपर वाले से भी बड़ा है? क्यों अपने अच्छे खासे बेटे को बिगाड़ रहे हो तुम? मदर जी आ गई। महालक्ष्मी, तेरा बेटा पढ़कर जिले का कलेक्टर बनेगा? कभी इसकी पढ़ाई के लिए या घर खर्च के लिए 1 पैसे भी दिए हैं? मैं ही 4 घरों में काम करके किसी भी तरह से पढ़ा रही हूँ। बेटा सीनू, तू पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। ठीक है, तो कल से मैं ऑटो चलाना छोड़ देता हूँ, मैं भी पढ़ाई करूँगा। बस करो, माँ बेटे का सेंटीमेंट देख रहा हूँ तो मेरा पेट जल रहा है। पेट में जलन हमारी वजह से नहीं हो रही, पीने की वजह से हो रही है। साइलेंस। गुड मॉर्निंग सर। देखो टकला आ गया। ये क्या हो गया? साइलेंस। डियर स्टूडेंट, आने वाले 10 दिनों के बाद हमारे स्कूल का एनुअल डे है। आप लोगों में डांस करने वाला, गाना गाने वाला, नाटक करने वाले अपना नाम लिखवाकर प्रैक्टिस करने के लिए नोटिस भेजा है। ओके ओके सर। ओके सर। ए अंजलि, रिहर्सल कर रही हूँ, टाइम हो रहा है, जल्दी आना। हाँ बस हो गया, आ रही हूँ। और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा करना घर जाकर भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। क्यों रे, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? घर जाओ ना, बैठे बैठे टाइम पास करते रहते हैं। यार
दम मारने के लिए बगीचा बेटर है या क्लास? देख यार, लेट आने के कारण मेरे पापा आजकल मुझको बहुत मार रहे हैं, यहीं पे शुरू करते हैं ना। तू बैठ, मैं क्लास में जाकर दम मारता हूँ, कोई आएगा तो बता देना। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे यार, अंजलि आ रही है। अंजलि अंजलि अंजलि, देख वो तेरी तरफ ही आ रही है। लगता है पीछे का हुक खुल गया है, मैं ठीक करके आती हूँ। तुम लोग यहीं रुको, कोई आएगा तो बताना। हाँ ठीक है। क्लास में मजाक करोगे तो वो मंजूर होगा, लेकिन अगर तुम अपने कैरेक्टर से नीचे गिर जाओगे तो नहीं मानूंगा। तुम्हें 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। ए सीनू, सुन तो सही। सीनू, क्या यार, तुझे 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया है, उसे ऐसे ही छोड़ देगा क्या? तू टेंशन मत ले, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक पंच मारूंगा तो वो मर जाएगी। उसके बारे में मेरे से कोई बात नहीं करेगा। तू सस्पेंड हो गया मतलब हम भी सस्पेंड, हम में से कोई स्कूल नहीं आएगा। उसने मेरी कंप्लेंट की है, तुम लोगों की नहीं। ए, उस लड़की को लगना चाहिए, फेंक। ये आजकल बहुत बोलने लगे, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, समझ गया ना? अरे जल्दी जल्दी करो ना यार, जल्दी सेट करो, हमको मेकअप भी करना। अरे यार, है सीनू नहीं है यार, उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देख भाई, नाटक बिल्कुल मस्त करना है, ठीक है? ए मलेश, डायलॉग याद है ना, ध्यान में रखना। सीता, नानी जग नीचे करेगा तो तुम नीचे चली जाओगी, तुम डरना नहीं। हाँ ए नानी, सीता का डायलॉग याद है ना, तुम मुझे लेकर जाओ माता, बोलते जग नीचे कर देना, ठीक है? अब आपके सामने 10th क्लास के बच्चे लव कुश का नाटक पेश करने वाले हैं। प्रभु, धर्म का, न्याय का प्रतिरूप आप ही हैं श्री राम, आप अपनी अर्धांगिनी पर शक कर रहे हैं प्रभु। देवी, धर्म या न्याय के सामने चाहे राम की पत्नी हो या रंग की पत्नी हो, एक ही है। मतलब आप अपनी अर्धांगिनी से ज्यादा दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं प्रभु। क्या करूं जानकी, मैं लाचार हूं। हे रामू, गलत है, गलत है, गलत है जानकी, गलत है। अग्नि परीक्षा देना आवश्यक है। अग्नि परीक्षा गई भाड़ में, तू सीता की जगह पर आया है, पीछे हट जा, हट पीछे। प्रभु, क्या आपका अंतिम फैसला यही है? सीता जी, अंतिम फैसला नहीं, वादा भी नहीं। पहले उस राम की जगह बदलो, वो नानी जग नीचे उतार दिया तो राम नीचे चला जाएगा। प्रभु, एक और बार सोच लीजिए प्रभु। अरे यार, क्या सोचने के लिए बोल रही है सीता जी? सीता जी, रुक बे, किसे सूसु कह रहा है? आपको नहीं सर, सीता जी को। सीता देवी को? हाँ? सीता देवी को इस उम्र में सूसू करेगा, क्या पागलपन है तेरा? वो नहीं सर। मेरे ही स्वामी मुझ पर इस तरह से शक कर रहे हैं तो मैं क्यों जीऊं? हे भूमाता, मैं आप में समा जाना चाहती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? मैं राम हूँ। अरे 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 सीता, बचाओ मुझे। अरे जाने मुझे। उधर देखना। ए सीनू कहाँ गया रे? डर कर भाग गया लगता है। आओ। अरे तुम आ गए, इतने दिन से तुम गायब थे, वापस आ गए, क्या बात है, क्या बात है, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैं ही हूँ, क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? आ गए हैं सर। रेडी 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 रेडी। किसके लिए रेडी है? मेरी बात सुनो, इतिहास में श्री कृष्ण देव राय के साथ ही बाकी राजाओं के साथ मिलकर रात को भेष बदल कर अपनी प्रजा के बीच में घूमा करते थे, क्योंकि उनकी प्रजा उनके बारे में बहुत गलत सोचा करती थी या शायद उनके खिलाफ थी। तो ये जान रोज एक गेम का पीरियड होना चाहिए। क्यों, तू उस मोटे के साथ बॉक्सिंग करेगी क्या? ए हाइड एंड सीक खेलते हैं। और ढूंढेगा कौन? अंजलि। मैं अंजलि। अच्छा चलो ठीक है। 1 2 3 ए देख देख अंजलि, 5 6 आज ये बिल्कुल अकेली है, चला आजा। कहाँ चली गई सर?
ये अंजलि कहाँ चली गई? पता नहीं, मुझे भी नहीं दिखी। शायद टाइम हो गया इसलिए चली गई होगी। ठीक है, चल हम चलते हैं। तुम लोग यहाँ? तूने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की थी ना? हेडमास्टर की कंप्लेंट से डरने वाले सीनू नहीं है हम लोग। अब तू हमारे सामने अपने कपड़े उतारेगी। एक एक करके कपड़े उतार, चल। देखो मेरे पास मत आना। तू उतारेगी या फिर मैं उतारूं? कौन है? करेक्ट टाइम पर मिल गई हो। प्लीज सीनू, मुझे कुछ मत करना। मुझे छोड़ो सीनू, प्लीज सीनू, प्लीज दूर रहो, प्लीज सीनू, प्लीज। लो। मेरी टेंशन मत ले, चल जा। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। बेवफा वो नहीं ये हमें है यकीन, पर वजह क्या हुई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया। अरे यार, इसने तो सीनू जैसे कपड़े पहने हैं। सीनू के जैसे पहनी नहीं है, सीनू की ही ड्रेस है। सीनू कहाँ है? वो पीछे है। अरे ये क्या हुआ? तेरी ड्रेस पंख लगा कर वहाँ उड़ गई क्या? अरे ये क्या हुआ? अंजलि तो शर्मा कर घबरा कर चली गई। जा पहले कपड़ा लेकर आ, ये ले, ये पकड़। मुझे परेशान मत कर दे। पहले मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं पता फिर क्या हुआ। सीनू क्या है? एग्जाम्स पास आ रहे हैं। तो क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? तो अच्छे से पढ़ाई करो। मुझे डर नहीं लग रहा, तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरे बारे में क्या सोचना, तुझे अपना काम कर। ए चलना। क्या यार, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? हमें सब पता है यार। बेटा सीनू, चार चार घंटे काम करके तुझे किसी तरह पढ़ा रही हूँ बेटा। किसी भी तरह दसवीं क्लास पास कर ले। देखता हूँ। देखता हूँ नहीं बेटा, कैसे भी करके तुझे पास करना ही होगा। ठीक है, पर टेंथ के बाद ये पढ़ ले वो पढ़ ले बोलोगी तो मैं नहीं पढ़ने वाला। पहले टेंथ तो पास कर ले। क्या यार, तू भी मजाक कर रहा है? कोई सुन लेगा ना तो फालतू में लफड़ा हो जाएगा, समझा? नहीं यार, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, टेंथ पास करना ही है। इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, क्या ये अंजलि की वजह से हुआ है क्या? लगता है इस साल ये पास हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ अब अंजलि है। ए तू चुप कर, अंजलि के कहने से नहीं है, माँ को वादा किया मैंने। यार तूने तो माँ को वादा किया है, लेकिन जब भी मैं किताब खोलता हूँ चश्मे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। तूने ये बेकार का डिसीजन कैसे ले लिया यार? ये सब छोड़ो, भाषण देना बंद करो और क्या करना है वो बताओ। आइडिया। ए महेश, तुम सब एक एक सब्जेक्ट को कहानी की तरह पढ़ो और फिर मुझे सुनाओ। सीनू।
ए, क्या है? क्या है? साइलेंस। से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लेना बेटा। मुझे भूख नहीं है माँ। सीनू, हे सुजाता, क्यों सीनू के बारे में सोच रही है क्या? एग्जाम का रिजल्ट कल परसों में आने वाला है, पता नहीं क्या होगा ना। सीनू पास तो होगा ना? क्या अंजलि, मुझे अपने पास होने की टेंशन हो रही है और तू सीनू के बारे में पूछ रही है। तुझे पता है ना अंजलि की उसकी बैच के सारे लड़के बहुत ही बदमाश हैं। वो तो पास होने से रहे। ऐसा मत बोल यार, सीनू पास होना चाहिए। तो क्यों उसके बारे में सोच रही है? थोड़ा ध्यान से। हाँ वैसे भी तेरी मम्मी बहुत खड़ूस है, अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया ना तो तुझे मार देगी। ए, अपना रिजल्ट आ गया यार। ए, मेरा नंबर देख। अच्छी थू। थू। क्या बे, मैं छींकूंगा तो क्या तुम्हारी फर्स्ट क्लास कैंसिल हो जाएगी क्या? अगर पढ़ाई की होती तो कुछ नहीं होता। ए, पहले तू रिजल्ट देख, देखना। अरे अपना नंबर नीचे होगा, नीचे देख। ए, अपना रेंज तो वही है, वहीं से रहेगा या नहीं रहेगा इसमें भी डाउट है, समझ गया ना। ए गणपति, तू तो थर्ड क्लास से पास हुआ है। मेरा भी देख यार, तुझे भी थर्ड क्लास आया है। और मेरा, तुझे भी थर्ड क्लास आया है। मुझे भी थर्ड क्लास आया। तू भी थर्ड आया? मैं थर्ड आऊंगा और तुम कहीं फर्स्ट ना आ जाओ, इस बात का मुझे टेंशन था। अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सीनू, तेरा नंबर नहीं है यार। नहीं, अरे ठीक से देखना। अरे ठीक से देखा, तेरा नंबर नहीं है। सीनू, क्या है माँ? बेटा, मेरा सोना बेटा, कहाँ गया था बेटा? कल से इंतजार कर रही हूँ तेरा। इसे लग रहा है कि मैं पास हो गया हूँ। दसवीं का रिजल्ट आ गया है ना, चंद्रम की दुकान में सब लोग अपना अपना रिजल्ट देख रहे थे, मैंने भी उन्हें तेरा नंबर दे दिया। तू फर्स्ट क्लास में पास हो गया है। मुझे दिया हुआ वादा पूरा कर दिया। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ बेटा। अरे वाह, सीनू पास हो गया, मैं भी पास हो गई। माँ, माँ मैं फर्स्ट क्लास पास हो गई। हाँ हुई होगी, चल जाए ऐसे। पापा, मैं फर्स्ट क्लास पास हो गई। कांग्रेचुलेशन बेटा। तुम जाओ बेटा। फर्स्ट क्लास में पास हुआ? हाँ जी। मतलब कलेक्टर बन जाएगा? अरे पगली, छठी क्लास में 6 बार पढ़ने के बाद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो टेंथ में फर्स्ट क्लास में पास हो गए, उसे कौन सी नौकरी मिल जाएगी? ऐसे क्या घूर रहे, नजरों से मार डालेगा क्या? मैं डरने वाला नहीं हूँ, कल से चुपचाप ऑटो चला लेना, समझा? मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा। तो क्या प्लेन चलाएगा? मुझे उल्टा जवाब देगा तो मार डालूंगा। संभाल कर जी। अरे गिर गए अब। तुम दोनों ने मिल के प्लान किया, पानी डाल दिया, मुझे गिरा दिया, मेरी बॉटल भी टूट गई। अरे चलिए, तो इतना क्यों बड़बड़ाते रहते हैं आप? अरे बहुत दर्द हो रहा है क्या?
सीनू, पापा के लिए दवाई लेकर आ बेटा। अरे दवाई नहीं, शराब ला। मैं शराब की बात नहीं कर रही, दवा की बात कर रही हूँ। तू जा बेटा, कोई दवा लेकर आ। मुझे नहीं पता माँ। बोलना, दर्द की दवा चाहिए ना बेटा? ठीक है माँ। ले आया क्या बेटा? ये लो। दर्द की है ना? नहीं पता माँ, मैंने क्या बोला उसने क्या दिया क्या पता। जी उठिए, दवा खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा। क्या पता ये कौन सी गोली लाया है, मुझे शक है। अगर ये खाली तो दर्द तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं ऊपर चला जाऊंगा। वो मुझे मारने का प्लान कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। ये हमारा बेटा ही है जी, आप इस पर शक कर रहे हैं। इसीलिए तो शक है मुझे। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे सुन, तेरे पास कुछ पैसे तो पास कहां से आएंगे? तू ऑटो चला के पैसे ला और फिर वो भी लेके आ। मैं नहीं चलाऊंगा। सीनू, सीनू रुक जा बेटा। तेरे पापा को इस हालत में छोड़कर मैं काम पर कैसे जा सकती हूँ? घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए सिर्फ 2-3 ऑटो चला ले। ठीक है माँ। अरे यार, तू तो रोज ऑटो में घूमता है, खूब मजा आता है ना, एक बार मुझे भी देना, मैं भी चलाऊंगा यार। देना, इसे भी साइकिल के जैसे टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है क्या? अंजलि तुम ले रही हो ना? मुझे नहीं चाहिए। ये भी ले ले, बहुत अच्छा है। अंजलि तुम कौन से कॉलेज ज्वाइन करने वाली हो? सीनू कौन सा कॉलेज ज्वाइन कर रहा है? सीनू को तो गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा और कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, देख लेना। तो क्या तू भी वही कॉलेज जाके ज्वाइन करेगी? तू जिस कॉलेज में एडमिशन लेगी, हमें भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा यार। अंजलि चलना, मूवी का टाइम हो रहा है। मैं मूवी के लिए नहीं आ रही। अभी कॉलेज नहीं खुला है, अभी बहुत टाइम है सीनू का एडमिशन मिलने के लिए। बस नहीं करो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं लेट हो गई ना तो माँ बहुत डांटेगी, इसलिए नहीं आ सकती। ठीक है ठीक है, इसे ऑटो में बैठा कर चलते हैं। अंजलि, सीनू। साथ में नहीं आओगी? नहीं, अकेले ही उसे अपने घर जाना है। अंजलि के लिए नहीं बुला रहा हूँ, अपने लिए। मेरी चप्पल टूट गई। तो रास्ते में सिलवा लेंगे ना, तुम्हारा नसीब ही खराब है। चल यार, जा रहे मोटे। बाय बाय अंजलि। तुम्हारा पूरा नाम अंजलि बाई है क्या? अंजलि है। तो तुम्हारी सारी फ्रेंड तुम्हें अंजलि बाई क्यों बोलती है? वो मुझे अंजलि बाई नहीं बोल रही थी, मुझे बाय कर रही थी। बाय अंजलि कहा उन्होंने। ऐसा है क्या? मुझे लगा मीरा बाई और शक्कू बाई की तरह तुम्हारा नाम भी अंजलि बाई ही होगा। ए गणपति, तू उतर। अरे यार, उसका नाम पूछा तो तू नाराज हो गया क्या मेरे से? अरे नहीं, सामने ट्रैफिक पुलिस वाला है, मैं आगे रुकता हूँ, तू उधर बैठ जाना। अच्छा ठीक है। ए तीनू रुक जा यार, कहाँ जा रहा है तू? देख लूंगा तुझे, लड़की मिल गई तो अपने दोस्त को ही भूल गया। पड़ गया है। हाँ यार, ये तो डेफिनेटली लव है। लव की ऐसी की तैसी, क्यों रे?
सीनू के बच्चे, ऑटो में लड़की क्या बैठी अपने दोस्त को छोड़ के भाग गया। ये तू ठीक नहीं कर रहा है, लड़की के चक्कर में दोस्त के साथ गद्दारी कर रहा है तू। कुछ बोलेगा भी अब? अंजलि, गुंटूर रेजिडेंशियल कॉलेज में बात की है मैंने, हॉस्टल में रह के पढ़ना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ही ज्वाइन करूंगी। एक बार सोच लो बेटी। अरे पढ़ाई तो उसे करनी है ना, अगर स्टूडेंट अच्छा हो तो कॉलेज से क्या फर्क पड़ता है। तुम गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर ही पढ़ाई करो बेटी। प्राइवेट कॉलेज की फीस हजारों रुपए होती है, कहाँ से भरोगे? उसकी पढ़ाई में इतना खर्च कर दोगे तो शादी के खर्च के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बेटा सीनू, तुम्हारे फ्रेंड्स कॉलेज में ज्वाइन हो गए क्या? हाँ माँ, ज्वाइन हो गया है। तुम भी ज्वाइन हो जाओ बेटा, मेरा प्यारा बेटा। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना माँ, आपने पहले कहा था 10 क्लास पास हो जाओ बस, अब इंटर ज्वाइन करने के लिए बोल रही हो, आगे कुछ और बोलोगी, मैं नहीं ज्वाइन करने वाला बस। क्यों रे, तूने खाना खाया? हाँ। इस बारे में तू एक बार फिर से सोच लेना बेटा। सीनू, अंजलि कॉलेज में एडमिशन ले रही है, गवर्नमेंट कॉलेज में, तेरे लिए भी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म लाया है, माँ को ज्यादा कुछ मत बताना नहीं तो पकड़ा जाएगा। ये देख आ गई। सीनू सिर्फ एक बार मेरी बात मान ले। आगे तो कुछ नहीं बोलेगी? ठीक है, इतना बोल रही है तो मैं एडमिशन ले लेता हूँ, लेकिन फीस वगैरह का खर्चा बहुत आएगा। वो सब मैं देख लूंगी बेटा, मेरा प्यारा बेटा। एक ऑमलेट बनाओ। बनाओ। ए यार, सीनू कहाँ गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा यार। अरे बाथरूम गया होगा। अरे नहीं यार, अंजलि को ढूंढने गया। सीनू भी इसी कॉलेज में होना चाहिए। सीनू भी इसी कॉलेज में होना चाहिए। सीनू कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम सीनू? अपनी अंजलि को लाइन मार रहा है, लाइन मार रहा है, लाइन मार रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तार लाया है, तार लाया है। रोलर लाया है, रोलर लाया है। इन दोनों का प्रेम अब सबको दिख रहा है। गाड़ी तो रोड पे आ गई है, गाड़ी तो रोड पे आ गई है। इनकी गाड़ी चली जा रही है, गाड़ी चली जा रही है। Z by X the whole is equal to zero. Main commit madam. Itne late kyun ho gaye madam? Wo both of you get out. I think all of you must have noticed this. This is very important. Let us discuss about it. You have to be very careful while solving both the sides. Both the sides should be equal. You have to write the conclusion after solving the whole problem in the end. Otherwise, you will be getting no marks. कौन है बे? देखा है? Also, you have to learn all the proofs and the theorems too. You should know them by heart. Sir, late आया तो मैडम अंदर जाने नहीं दे रही हैं. Lesson miss नहीं हो इसलिए खिड़की से सुन रहा हूँ. You all have to come prepared for the test. क्या बात है? Okay, so what was I saying? मुझे मारा और खुद घूर रहा है. रुक जा बताता हूँ. मुझे किसने मारा? The diagrams should be neat and clear. उसके घर की बिरयानी बहुत अच्छी है, कभी हमें भी खिलाना ना यार. तो चिकन से क्या पेट भरेगा, मटन ठीक रहेगा. ए रुक जाओ. ए सीनू, लगता तेरे ससुर को पता चल गया है, वो हमें मारने के लिए गुंडे लेकर साथ में आया यार. अरे यार मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने मुझे दूध लाने भेजा था, मैं चलता हूँ. अरे हाँ, मुझे भी दूध लाने भेजा था, मैं भी जाकर आता हूँ. हाँ भाई, मैं यूं गया और यूं आया. अरे यार मेरे पेट में कब से दर्द हो रहा है, मैं अर्जेंट लंदन जाकर आता हूँ. ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कोई पीछे हटा तो उसके टांगे तोड़ दूंगा, समझा? मैं अंजलि को बिना देखे घर वापस नहीं जाऊंगा. ए यार सीनू, अंजलि के लिए इतना रिस्क लेना जरूरी है क्या? कहीं ऐसा ना हो हम सबके यहाँ से अड़ती उड़ जाए. वो सारे बीएमसी के लोग थे. जा रहे मोटे. ये क्या है, दिखाओ. क्या छुपा रहे हो, दिखाओ मुझे. कुछ नहीं अंजलि. तुम कुछ तो छुपा रहे हो, बताओ. कुछ नहीं अंजलि, बताओ ना. अरे छोड़ो ना अंजलि. नहीं दिखाओगे मुझे? नहीं दिखाऊंगा.
अंजलि, अंजलि रुक जाओ, अंजलि, 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 प्लीज अंजलि, एक बार मेरी बात तो सुनो अंजलि, प्लीज अंजलि, 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 अंजलि एक बार मेरी बात सुनो, अंजलि, अंजलि रुको मेरी बात सुनो, अंजलि मेरी बात सुनो। टेंथ स्टैंडर्ड में आंटी को पटा रहा था ना, अभी बताती हूँ तुझे। अंजलि, क्या लगता है यार, अंजलि आएगी ना? मुझे क्या पता तो नहीं है यार। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अंजलि, 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 मेरी बात सुनो अंजलि। बेचारे को बहुत सताया मैंने आज। अंजलि, अंजलि, अंजलि मेरे और नंदनी के बीच में कोई संबंध नहीं था, कसम खा के कह रहा हूँ, वो कच्ची उम्र में गलती हो गई थी, प्लीज अंजलि मेरा यकीन करो ना। कितना प्लीज बोल रहा है। ठीक है, अब तुम घर जाओ। तुम गुस्सा नहीं हो ना? नहीं हूँ बाबा, अब तुम जाओ। तो फिर आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। मुझसे बात नहीं करोगी ये सोचकर मैं कितने टेंशन में था पता है? तुम इतना गुस्सा क्यों हो? गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ? मुझसे प्यार करने वाला किसी और लड़की को देखे तो मुझसे बर्दाश्त होगा? हाँ लड़की ऐसा ही करेगी। लड़की की बात ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों आया? अरे तो मैं भी तो लड़की हूँ ना। रुको अंजलि, रुको, जाते ना। अभी बताती हूँ तुम्हें। सीनू, सीनू रुको ना। अरे अरे बस करो। सीनू क्या कहा तुमने? बस करो, बहुत हुआ सीनू। कल से कॉलेज में 4 दिन की छुट्टी है सीनू, 4 दिन तुम्हें देखे बिना मैं कैसे रहूंगी? बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। तो फिर हम कैसे मिले? अब तो माँ भी घर पर ही रहती है, छुट्टी में कहीं बाहर भेजती भी नहीं है। क्या करेंगे सीनू? बापरे टाइम हो गया, मैं चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। ए यार, इस सूरी को भी कोई काम धंधा नहीं है क्या? छुट्टी के दिन भी सुबह सुबह निकल आता है और हम लोगों को जल्दी उठना पड़ता है यार। तो इतनी जल्दी आने किसने कहा था? अरे यार, अक्षय कुमार की नई एक्शन फिल्म आई है, देखने चलते हैं ना। फिल्म से पहले अंजलि को देखना है यार। ये क्या, इस टाइम पे क्यों सो रही है ये? अंजलि, हाय। हाय। ये क्या, सीनू के बारे में ही सोच रही है ना? हाँ यार, उससे मिलना नहीं हो रहा तो अजीब सा लग रहा है। और मिल जाएगा तो कुछ और ही लगेगा। अच्छा वो सब छोड़, कल महालक्ष्मी का बर्थडे है, उसके बर्थडे की तैयारी भी करनी है, तो चलना हमारे साथ अंजलि। ठीक है। अरे यार, अंजलि शॉपिंग करने जा रही है। हाँ? हाँ? चलो यार चलते हैं। हाँ? यार यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। देखने के लिए आंखें तो है ना। ये सुन, एक आइडिया है, क्यों ना गणपति के लिए जांघिया मांगे, उसकी साइज का तो पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। क्या चाहिए बेटा? जांघिया चाहिए। उधर जाके देखो। देख सीनू आ रहा है। क्या चाहिए? जांघिया चाहिए। साइज क्या है? इसके लिए चाहिए। हा? इससे पहले भी कभी जांघिया पहना है? नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे ही कंटिन्यू करो ना। ऐसा क्यों सर? क्योंकि तुम्हारी साइज की दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। ये वाली? ये लो सफेद कपड़ा, लंगोट बना के पहन लेना। नहीं तो एयर फ्री कंटिन्यू रखो। ये वाली? अच्छा नहीं है। ये ड्रेस? अच्छा नहीं है। और ये वाली? ए, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, इसे ट्राई करके देख। ट्राई करके आती हूँ। ए सीनू, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें देखने के लिए।
मुझे देखने के लिए? मुझे तो रोज देखते हो। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमसे ही पूछ रही हूँ, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? हाय सीनू, एग्जाम्स है ना, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी क्या? तुम भी भूल हो गई क्या? ऐसे तो तुम बिगड़ जाओगे। मैं बिगड़ जाऊंगा, इसका तुम टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि मैं कब का बिगड़ा हुआ हूँ। प्लीज सीनू, जाके पढ़ाई करो ना, प्लीज सीनू, तुम्हें पास होना है। ठीक है। ऐसा क्या? ठीक है, हम अभी निकलते हैं। पद्मा, पद्मा। हाँ, क्या हुआ? क्यों ऐसा चिल्ला रहे हो? हमारी माँ सीरियस है, हमारे भाई ने अर्जेंटली तुम्हें आने को कहा है। तो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलते हैं। ठीक है जी। अंजलि, तुम्हारी नानी बहुत सीरियस है, तुम भी साथ चलो। मेरा तो कल एग्जाम है पापा। तो कैसे करोगे बेटी, आने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, इतने दिन तुम घर में अकेली कैसे रहोगी? कोई बात नहीं पापा, मैं रह लूंगी, आप लोग जाइए। ठीक है बेटा। सुन अंजलि, घर का ध्यान रखना, दरवाजा खुला करके मत सोना, ठीक है? और एग्जाम देने जाओगी तो दरवाजा अच्छी तरह से लॉक कर देना। एग्जाम अच्छे से करना बेटी, हम लोग आते हैं। सर पेपर। सीनू, फर्स्ट ए, ए, सेकंड डी, डी। सर पेपर। अच्छा, ये मोटा इस बार पढ़ के आया है, लगता है पास हो जाएगा। दिखने में मोटा है पर है श्याणा। रुक। पेपर इतने सारे लिए पर लिखा कुछ नहीं। क्या है ना सर, मेरे पेन की इंक खत्म हो गई थी, उसके बाद जो भी लिखा वो सब कुछ सफेद लिखा गया सर। सीनू, कल मेरा बर्थडे है, बाय। अंजलि, अंजलि, ए मोटे, दिखता नहीं क्या? ए, कल अंजलि का बर्थडे है, रात में 11:30 बजे उसके घर जाना है। मैप लेके आ। मैं ले आया? ऐसे क्या देख रहे हो, मैप लाने के लिए बोला तो मैप लाया हूँ ना। हाँ, कहा था। लेकिन इसमें अंजलि का घर दिखाई नहीं दे रहा यार, इस मैप में उसका घर मैं कैसे ढूंढूंगा? मार क्यों रहे हो? अगर चाहूँ तो एक बार मैं तुम सबको मसल सकता हूँ। अबे मोटे, मैप बोला था तुझे, वर्ल्ड मैप नहीं, अंजलि के घर में घुसने का प्लान बनाने के लिए बोला था। ओहो, अब कहाँ जा रहा है तू? अंजलि के घर का प्लान बनाने के लिए मुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा। अंजलि, 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 ऐसे क्यों हंस रही हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसे क्यों हंस रही हो? पता है इस घर में अभी कोई नहीं है। पहले क्यों नहीं बताया? मैं दीवार कूद कर आ रहा हूँ, पता है? मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। देख लेना, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। बाय बाय बाय। सीनो। हाय अंजलि। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बाय बाय। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, जल्दी आ जाओगे ना? ठीक है, बस माँ से मिलकर आ जाता हूँ। सारी रात तू कहाँ था बेटा? माँ, फ्रेंड के घर पर सो गया था मैं। क्या बेटा, रात दिन ऐसे आवारा की तरह घूमता रहता है, कुछ कहूंगी तो पढ़ाई छोड़ देगा, इस डर से मैं तुझे कुछ कहती भी नहीं।
अन्नावरम में मेरा फ्रेंड गणपति का शादी है माँ। अच्छा वो उस मोटे की शादी? वो तो इंटर पढ़ रहा है ना, अभी इतनी जल्दी शादी? उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी, उसके घर में कोई औरत नहीं है ना, इसलिए इंटर में ही उसकी शादी करवा रहे हैं। हम सब लोग वहीं जा रहे हैं, शादी के बाद आ जाऊंगा। हाँ, बेचारा उस मोटे से शादी करके पता नहीं कौन फंसने वाली है। हाय अंजलि। हे तुम लोग कब आई? हैप्पी बर्थडे अंजलि। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अंजलि। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अंजलि। थैंक यू। तेरी मम्मी घर पर नहीं है क्या? नहीं वो नहीं है। वो घर पर नहीं है तो कितना शांत लग रहा है। सीनू के लिए दरवाजा खोलकर बैठी थी क्या? चुप रहो तुम। और तुम कहाँ गायब हो गई थी? हम लोग 10th स्टैंडर्ड एक साथ पढ़ने वाले थे, लेकिन 9th के बाद तुम अचानक गायब ही हो गई। हमें तो लगा था कि तू उस गंगाराम के साथ भाग गई है। वो बात नहीं है, मैं बचपन से ही नानी के साथ रही हूँ। पापा हैदराबाद में अकेले रहते हैं, वो काम पर जाते हैं तो अपनी तबीयत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, इसलिए पापा के साथ रहने के लिए मैं 10th की पढ़ाई वहीं कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, अभी बहुत टाइम हो गया है, मैं शाम को गौतमी ट्रेन से वापस जा रही हूँ। थोड़ी देर जाकर नानी के साथ भी रहना पड़ेगा वरना नाराज हो जाएंगी। मैं चलती हूँ। हाँ बाय बाय। अगले दिन छुट्टी में एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। हम दोनों के लिए एक एक दिन एक एक साल जैसा निकल रहा था। छुट्टी खत्म हो गई, फिर से कॉलेज शुरू हुआ। ए गणपति, अगर तेरे में दम है ना तो मैं जो सेंटेंस बोलता हूँ ना वो बोल। हाँ बोल। कानून अंधा है। अंधे के पास चश्मा नहीं है, चश्मे वाले के पास पैसा नहीं है, पैसे वाले के पास लड़की नहीं है। इसके अलावा और कुछ आता है क्या? बस करो यार। अरे यार, सुबह से मैंने सारा कॉलेज ढूंढ लिया, तुम लोग को कहीं अंजलि दिखी? नहीं यार, मुझे भी नहीं दिखी। क्यों रे, पूरा लगेज लेकर आया है, घर से तुझे भगा दिया है क्या? अरे ऐसा नहीं है, एक फिल्म में मुझे गाने का मौका मिला है, मेरा एल्बम निकालेंगे इसलिए उन लोगों ने मुझे मुंबई बुलाया है, तुम लोगों को यही बताने आया था। यार तुझे सडनली चांस कैसे मिल गया? अरे, फिल्म इंडस्ट्री में मेरे मामा की बहुत जान पहचान है। ए नानी, अपने मामा को बोलना त्रिशा की किसी मूवी में एज ए हीरो मुझे एक बार लेने के लिए, त्रिशा के सामने एक्टिंग करने की मेरी बड़ी तमन्ना है यार। से तू त्रिशा पर गिरा ना तो वो ऊपर चली जाएगी मोटा कहीं का। ए नानी, तू इसकी बात मत सुन, तेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, तू निकल। ओके टाटा, बाय बाय। फिर मिलते हैं दोस्तों, जल्दी मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। ओ नानी नानी, मेरे नानी नानी, जा रहा है आज तू हमारा दिल तोड़ के, तेरे बिना हम सब तो रो रो के मर जाएंगे। ए नानी नानी, ओ मेरे नानी, ना जा तू छोड़ के। She's pregnant. Caution कीजिए डॉक्टर, प्लीज। अंजलि, अंजलि। अंजलि। ए, ऐसा गंदा काम करके अब रो क्यों रही है? बेशरम कहीं की। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। चुप कर, बहुत हो गया। कल सुबह हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तब तक तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, ध्यान रख इस बात का। हेलो डॉक्टर साहब, है क्या? रोकिए रोकिए।
वॉचमैन क्या चाहिए? संध्या है क्या? आप कौन हो? मैं संध्या की फ्रेंड हूँ, राजमंड्री से आई हूँ। मैम साहब, हाँ, आपसे मिलने के लिए कोई लड़की आई है। हाय अंजलि, इस तरह से अचानक तू यहाँ? क्या हुआ, क्या बात है? हेलो डैडी। हाँ बोलो बेटी। डैडी बात ये है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं, मुझे फ्लैट की कीज चाहिए, वो कुछ दिन वहीं रहेंगे। वॉचमैन के पास से ले लो ना, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है डैडी। थैंक्स अ लॉट संध्या। थैंक्स बाद में कहना, पहले अंदर जाकर फ्रेश हो जा। में तुम बहुत लकी हो सीनू, जिस लड़की को चाहा उसी से तुम्हारी शादी हो गई। तुम लोग यहाँ मेरे भरोसे पर आए हो, तुमने गलती की है, पर फिर भी एक फ्रेंड होने के नाते मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही होगी। ये बात जब तुम लोग आए थे तभी मैं कहना चाहती थी, पर तुम लोग मुझे गलत ना समझ लो, इसलिए मैंने उस वक्त तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं हेल्प नहीं करूंगी तो तुम लोग बाहर जाओगे और तुम्हें रहने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी, और पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं, वैसे एक फ्रेंड होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। पर अंजलि का तुम पर जो भरोसा है वो कभी मत तोड़ना प्लीज। नहीं तोड़ूंगा। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, डैडी के आने का टाइम हो गया है। Once again, happy married life. Thank you. क्या है ये सब? अब बाद में करना, पहले जाके एक जॉब ढूंढो। जॉब ही ना, वो कौन सी बड़ी बात है? जॉब का मतलब ये जॉब नहीं। ये अपने रेंज का है, लगता है ये बेटर रहेगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या काम है? जॉब चाहिए। कहाँ तक पढ़े हो? 10th क्लास। सीनू चल बाहर निकल। ओ, ओ, चल जा। ये शॉप नहीं तो दूसरे शॉप में मिल जाएगा। वो नहीं, ये अपने रेंज के लिए सही है। हेलो मैडम, नौकरी चाहिए। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? 10th पढ़ा हूँ। सॉरी नो वैकेंसी। सीनू जॉब मिल गया क्या? क्या हुआ सीनू, कोई जॉब नहीं मिला? नहीं मिला। छे, बड़े बड़े ऑफिस में मुझे कौन काम देगा, मुझे अपने रेंज का ही कोई काम खुद ढूंढना होगा। आ, क्या चाहिए सर? कोई काम दे दीजिए। यहाँ कोई काम नहीं है। मैं भजिया बना सकता हूँ सर, चाहिए प्लीज। अरे कहा ना कोई काम नहीं है, जा। अच्छा भाई कोई काम हो तो प्लीज मुझे दे दो। ये बताओ क्या क्या कर सकते हो? मैं दाढ़ी बना सकता हूँ प्लीज। दाढ़ी के साथ हेयर कटिंग भी आनी चाहिए, तभी काम मिलता है भाई। ऑटो? बोलो कहाँ जाना? ऑटो चला सकता हूँ भाई। पैसा है क्या? नहीं है भाई। लाइसेंस है क्या? नहीं है भाई। जा भाई जा। घर का सारा सामान खत्म हो गया है, मैं क्या करूँ? दिन रात सारे ऑफिसेस के चक्कर काट रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं दे रहा मुझे। मेरा बाप कहता था ऑटो चला बेटा, ऑटो चला बेटा, तब तो कभी चलाया नहीं, अब चलाना चाहता हूँ तो कोई दे नहीं रहा। मुझे तुमसे शिकायत नहीं है सीनू, लेकिन संध्या रोज पूछती है, अच्छा नहीं लगता। उसने अब तक हमारी बहुत हेल्प की है, प्लीज कुछ तो करो ना सीनू। हो सकता है मुझे कोई जॉब मिल जाए, मैं ट्राई करूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, मैं ही कुछ करता हूं। आओ भाई आओ, 10 का 100, 100 का 1000, रातों रात लखपति बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, लगाओ लगाओ लगाओ। अरे देख क्या रहे हो, लगाओ भाई। रातों रात लखपति बन सकते हो और करोड़पति भी बन सकते हो। आइए आइए, लगाइए लगाइए। चिरंजीवी, बाल कृष्ण, नागार्जुन, रंबा, रमैया, कृष्णा, सिमरन, ये लो 50 का ₹500। लगाओ लगाओ, बढ़िया भाई, लगाओ लगाओ भाई। कैसा है? चलो मेरा एक नागार्जुन पे लगा दे। जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। चिरंजीवी पर ₹1। चिरंजीवी 1 का ₹10। खेलो।
ऊपर हीरो नीचे हीरोइन लगाओ लगाओ चल मेरा क्या लगाओ 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 50 का 100 फिर से चिरंजीवी लगाओ ₹500 का 1000 लगाओ जल्दी लगाओ इसकी तो अरे छोड़ ना वो कहाँ जाएगा खेल का मजा मिला ना यहीं पर आएगा अंजलि पूरी रात कहाँ गायब थे तुम नौकरी मिल गई क्या ऑटो चला रहा था मैं जाकर सामान खरीद कर लाता हूँ सीनू तुम मेरे लिए ऑटो चला रहे हो ना घर जल्दी आना ठीक है ऐसे रो क्यों रही है बताना सिनू 2 दिनों से घर नहीं आया मुझे बहुत डर लग रहा है ओहो मेरे पापा को भी 2 दिनों से बुखार है ड्राइवर को भी घर भेज दिया है और मुझे गाड़ी चलाना भी नहीं आता चल हम चलकर उसे ढूंढते हैं चलना मैं वापस जाती हूँ अभी कहाँ जाएगी सुबह चली जाना चल अगर सीनू वापस घर आ गया और उसने घर पे ताला देखा तो वो बहुत डर जाएगा इसलिए जाना होगा अंजलि रुक जाओ अंजलि रुको अंजलि प्लीज मेरी बात सुनो अंजलि 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 कैसे इंसान हो तुम सिर्फ तुम्हारे भरोसे मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई और तुम होके 2 दिनों से घर भी नहीं आए अंजलि मुझे फिक्र हो रही थी कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है तुम जिंदगी में कुछ करोगे ये सोचकर तुम्हारे साथ आ गई रोज झूठ बोलते हो कि ऑटो चलाता हूँ और आकर ये सारे काम करते हो ऐसी कमाई के भरोसे मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए अंजलि प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे गैर जिम्मेदार इंसान नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा ये बच्चा चाहिए ऐसा मत करना कहाँ जा रही हो तुम एबॉर्शन करवाने जा रही हूँ आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना अंजलि रुको अंजलि मेरी बात सुनो अंजलि क्यों बे एक लड़के को लाकर तूने नाटक किया है तेरे नाटक को जानता हूँ मैं ऐसा नहीं है भाई वो मेरी बीवी है वो अबॉर्शन कराने जा रही है मुझे किसी भी हाल में उसे रोकना है अरे जा रही है तो जाने देना खेल का मजा फिर नहीं मिलेगा प्लीज भाई वो हॉस्पिटल जा रही है प्लीज हम सबका पैसा कौन देगा अबे हैं भाई ये पैसा ले लो और मुझे जाने दो ऐसे पैसे देगा तो क्या मजा मिलेगा आकर खेलना बे भाई प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ ये पैसा ले लो और मुझे जाने दो खेल बोल रहा हूँ पैसे दे रहा मुझे क्या रहा बे मारेगा मुझे
अंजलि 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 एक बार मेरी बात सुनो। अंजलि उससे नहीं, तुम मुझसे बात करो। क्या काम करते हो तुम? तुम जानते हो मगर बता नहीं सकते ना, क्योंकि वो इतना महान काम नहीं है जिसके बारे में कुछ बात की जाए। मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की सर, लेकिन किसी ने काम दिया नहीं। देंगे क्यों देंगे? क्या वो तुम्हारे माँ बाप है या दोस्त है या फिर रिश्तेदार है जिनसे तुम कुछ भी मांगोगे तो मिल जाएगा? आखिर मैं ऑटो चलाने के लिए तैयार हो गया था सर, मगर वो भी किसी ने नहीं दिया। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। मतलब तुम्हें मटका खेलना पहले से आता था, खेला सीखा और फिर जीता, राइट? लाइफ भी ऐसी है, मेहनत करनी पड़ती है, मार खानी पड़ती है, तभी आप कुछ सीखते हो और खेलते हो और फिर और सीखते हो। सिर्फ तुम्हें पता है, फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है कि प्यार किया, झगड़ा किया, शादी की तो प्यार जीत गया, और तुम जैसे लोग तालियां बजाते हैं और वहाँ पे सीटियां बजाते हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों का क्या हाल होता है उस पर कोई फिल्म बनाएगा तो कोई देखने जाएगा? क्योंकि तुम लोग ना तो मेहनत कर पाते हो और ना ही उस सच्चाई का सामना कर पाते हो। मैं नहीं कहता कि प्यार करना गलत है, तुम्हें क्या करना है ये पता नहीं है। इस उम्र में शादी करना गलत है सीनू। खाना मतलब दाल चावल भाजी चटनी दही, राइट? जिंदगी भी वैसी है, पैदा होना बड़ा होना मरना प्यार करना शादी बच्चे जिम्मेदारी खुशी कष्ट जीत हार तारीफ मार ये सब मिलेगा तो ही जीवन है। सिर्फ प्यार करना ही जिंदगी नहीं है, ये सब लड़के सोचते नहीं है। सोचेंगे तो कभी प्यार करेंगे ही नहीं। प्यार करते समय तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन शादी के बाद मैं मुसीबत में हूँ तो क्या कोई तुम्हारा सपोर्ट करेगा? सीनू जो हिम्मत लड़की की प्यार करते समय होती है वो शादी के बाद भी होनी चाहिए। लड़की को प्यार करते समय जो भरोसा होता है वो शादी के बाद भी होना चाहिए। एक महीने का बच्चा चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, बैलेंस नहीं बना पाएगा ना। वही साल भर बाद चलने की कोशिश करेगा तो वो सीख चुका होगा क्योंकि वो चलने की उम्र होती है। जिंदगी में जीत भी वैसी ही है, इसी तरह कोशिश करते रहोगे तो ही कुछ कर पाओगे। कुछ नहीं आता बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं लोगों का विश्वास जीत सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा भरोसा होना चाहिए खुद पर। सीनो जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है पहले उसे प्रूव करो, तभी अंजलि तुम्हारे साथ आएगी, नहीं तो वो मेरी बेटी के साथ मेरे घर में ही रहेगी। बोलते तो सब लोग हैं, कोई चांस देगा तभी तो प्रूव कर सकता हूँ ना। कल ऑफिस में आकर मिलना मुझसे। क्यों सीनू को मैंने इतना सुनाया तो तुम्हें दुख हो रहा है? लोहे को मोड़ना है तो उसे गर्म करना पड़ता है, इंसान को आगे बढ़ना है तो उसे भड़काना पड़ता है, और इसलिए मैं सीनू पर इतना भड़का। जाओ तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, अभी मैंने लोहे को आग पे रखा है, कल तक वो बैंड भी हो जाएगा। सुनिए अशोक कुमार जी हैं क्या? आपका नाम? सीनू। एक मिनट सर, आपसे मिलने कोई सीनू आए हैं। उसको बोलो वेट करे। ओके सर। यार हमने पेन किलिंग को कितने कॉन्सेप्ट दिखाए मगर एमडी को एक भी पसंद नहीं आया। बहुत टेंशन दे रहा है यार। अब हम क्या कर सकते हैं, एमडी की मर्जी है यार, वेट एंड सी। नमस्ते सर। ओ सीनू सॉरी, मैं थोड़ा टेंशन में था इसलिए ध्यान ही नहीं दे पाया। सर मॉर्निंग से आप एक एड का कॉन्सेप्ट के लिए टेंशन ले रहे हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं? हाँ हाँ बताओ क्या है। स्टॉप स्टॉप, वापस ऊपर चलो, डरो मत, कॉन्फिडेंटली बोलो, बैठ के बोलो। चलेगा सर। डांस कंपटीशन हो गया, दो हीरोइंस के पास उनके फैंस ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं। वेरी गुड सीनू, कीप इट अप, ये अब तुम्हें ही डायरेक्ट करना होगा। सर मैं? हाँ तुम। मिस्टर सुनील सर, इन्हें अपनी टेक्निकल टीम से मिलवाओ। ओके, और इसकी फॉरन शूटिंग शुरू हो जानी चाहिए। जी सर। डोंट वरी, यहाँ पे सभी तुम्हारी हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। नहीं जानता, नहीं कर सकता, कुछ नहीं आता, सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं ये कर सकता हूँ, अगर ये भरोसा रखोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो।
बेस्ट पेन। नाश्ता करके जाओ, लेट हो जाऊंगा। थोड़ा सा तो खा लो। टाइम नहीं है, बोल रहा हूं ना। सीनू, रोज इतना लेट सोओगे तो शरीर का क्या होगा? हे, डिस्टर्ब मत करो। नाराज हो क्या? सीनू, कम से कम दो दिन तो मेरे लिए निकालो। ठीक है, कहाँ जाएंगे? दो दिन स्पेंड करने के लिए पूछा, मुझे लगा ऊटी या कोडाईकनाल जाने के लिए बोलोगी। यहाँ शमशान में क्यों लेके आ गई? इंसान की जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। माना कि जीने के लिए, घूमने के लिए हमें पैसे चाहिए, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं होती। अगर शरीर का ख्याल नहीं रखा तो ऐसी कमाई का क्या फायदा जो इंसान की जिंदगी कम कर दे। इंसान की एवरेज लाइफ है 60 साल की, लेकिन 60 साल में कुछ ही घंटे वो खुशियों से बिता पाता है। कोर्ट में क्यों लेकर आई हो? यहाँ आने वाले कुछ लोग अलग होने के लिए आते हैं। जिनके अलग होने की वजह बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी वजहें होती हैं। पति पत्नी पर ध्यान नहीं देता है, या पत्नी पति पर ध्यान नहीं देती। पैसों की प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम, या फिर ईगो की प्रॉब्लम होती है। ये हालत हमारी नहीं होनी चाहिए सीनू। अगर यहाँ आने की नौबत आ जाती है तो जिंदगी यहीं से खत्म हो जाती है। सीनू, तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मना तो नहीं करोगे? क्या है, पूछो। एक दिन के लिए तुम सिगरेट छोड़ दो और उसके सारे पैसे मुझे दे दो। सिगरेट छोड़ देने से कितना पैसा मिलेगा? तुम्हें पैसा चाहिए तो घर में पैसा है, बैंक में पैसा है, वहाँ से ले लो। बस एक दिन तुम जितनी सिगरेट नहीं पियोगे उतने पैसे मुझे दे दो। ठीक है। अंजलि, सरदर्द हो रहा है, थोड़ा कॉफी बना दो ना। अंजलि, ये लो, आज मैंने सिगरेट नहीं पिया उसके बचे हुए पैसे, 30 रुपए हैं, रख लो। अच्छा, तुम रेडी हो जाओ, हम बाहर जाएंगे। हम दोनों ने तो खाना खा लिया है, ये टिफिन क्यों ले जा रही हो? गाड़ी यहाँ रोकना। यहाँ क्यों? बताती हूँ। बाबा, बाबा, ये खाना खा लो। धन्यवाद बेटी। बेटी, मैंने दो दिनों से खाना नहीं खाया था। एक दिन सिगरेट नहीं पीने से एक आदमी का पेट भर गया। मैं तुम्हें सिगरेट छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ सीनू, लेकिन अगर तुम सिगरेट छोड़ दोगे तो उसके पैसों से ऐसे लोगों का पेट भरेगा। या तो तुम सिगरेट पीकर अपनी तबीयत खराब करोगे, या उन पैसों से भूखे लोगों का पेट भरोगे। ये तुम्हें तय करना है, अच्छे से सोच लो। अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम इसे सही सलामत चला पाओगे। मेरी बेटी के साथ मैं भी कनाडा में सेटल होना चाहता हूँ। तुम्हारी कैपेबिलिटी के बारे में मुझे अच्छे से पता है बेटा। सबसे बड़ी बात यह कि अगर तुम गलत रास्ते पे गए तो तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए तुम्हारे साथ अंजलि है ना। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।
सीनू सीनू अंजलि क्या हुआ अंजलि सीनू अंजलि क्या हुआ चलो हॉस्पिटल चलते अपने लोग क्या कर रहे हैं क्या पता सबसे मिलके बहुत साल हो गए हैं चलो एक बार मिलकर आते हैं मेरा भी मन कर रहा है परसों अपनी शादी की सालगिरह है चलो बच्चों को लेकर चलते हैं ठीक है ए मस्ती मत करो जल्दी से तैयार हो जाओ फिर डैडी आएंगे तो नाना नानी के पास चलेंगे सब लोग जरा सावधानी से डील करो एक मिनट श्योर हेलो तुम 9 बजे आने वाले थे अभी 12 बज रहे हैं अब तक नहीं आए कहाँ हो कब तक आओगे सॉरी अंजलि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था तुम एक काम करो तुम बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ हम लोग यहीं से चलते हैं क्या हुआ बेटा ठीक है नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद ही हम कुछ ठीक से कह पाएंगे और बच्चे लोग उनकी हालत भी अभी नाजुक है अंजलि आंखें खोलो अंजलि अंजलि मेरी ही गलती है मुझे ऑफिस से जल्दी आ जाना चाहिए था उठो अंजलि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे प्यार के बिना मैं मर जाऊंगा अंजलि चले गए थे तुम माँ अब वो कहाँ रही बेटा तेरे भरोसे पर वो बैठी रही तेरे ही बारे में सोचती रहती थी हमेशा और सोचते सोचते ही चली गई दादी बारिश में क्यों भीग रही हो अंदर आ जाओ ऑटो ऑटो
पापा, पापा। लेटर छोड़ा। सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मुझे पता है कि हर जगह मैं तुम्हें नजर आती रहूंगी। हम दोनों का साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर जगह, हर बात में मैं रहूंगी। तुम्हारी हर सांस में मैं जिंदा रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी जिंदगी भर। इतनी मेहनत करके तुमने जो कुछ भी बनाया है उसे बेकार मत जाने देना। दूसरों की मदद करना, अखिल और निखिल का ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। टाइम पर खाना खाना और अपना ख्याल रखना। आश्रम चलिए जल्दी। मैं देखता हूँ। हेलो अंजलि, पांडू कैसा है? तुम्हें आने में और कितनी देर लगेगी? हेलो बाबूजी आश्रम, मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ। बाबू क्या कर रहा है, चलें क्या? संध्या एक मिनट, मैं अंदर बताकर आता हूँ। ड्राइवर थोड़ा जल्दी चलिए। Thank you.
हाय संध्या, कैसी हो? मैं, अंजलि, बच्चे सब बहुत खुश हैं। मैं अंजलि और बच्चों को लेकर लंदन जा रहा हूँ, वहीं पर सेटल होना चाहता हूँ। अंजलि तुम्हें बहुत याद करती है, यहाँ रहकर भी तुमसे मिल नहीं पाई, फिर कभी इंडिया आएगी तो तुमसे जरूर मिलेगी ऐसा कह रही है। तुम्हारे जैसी अच्छी फ्रेंड मिली, इससे बहुत खुश हुई है। सच क्यों जान लिया तुमने? 10th क्लास के बाद मैंने अंजलि से प्यार किया था। जिंदगी के सही फैसले लेने के टाइम पर हम दोनों ने सबसे बचकर घर से भागकर शादी की और बहुत तकलीफ उठाई। उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की, वही जिंदगी है ये सोचा था, लेकिन तकदीर ने मेरे साथ खेल खेला। मुझे प्यार करने वाली अंजलि, बच्चे और मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मेरी माँ सब मुझसे दूर हो गए। आज मेरे पास कोई नहीं है, और उस वक्त जब मैंने आत्महत्या करना चाहा तो मेरी मौत के बीच में तुम आ गई। मुझे बचाकर तुमने बहुत गलती की। जब से मैं तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ, हर जगह, हर बातों में, हर पल मैं अपनी अंजलि को ही देख रहा हूँ। मैं उसे कभी भूल नहीं पाया हूँ। अब तुम सारा सच जान गई हो, तुम्हें बताने के लिए अब मेरे पास और कुछ नहीं है। अंजलि नहीं है तो सीनू की जिंदगी में खालीपन आ गया, जिसकी जगह कोई भर नहीं सकता है। लेकिन दिल का ये जख्म शायद संध्या आज नहीं तो कल भर दे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं।